उधर दिख रहा है अभी, उधर सरसों का खेत तरफ चलेगा। कहाँ दिखा? एक तो उधर सरसों का खेत तरफ उड़ते हुए। For me, traveling without purpose is worthless. And I already had that purpose. And butterfly are like a beautiful link between creator and his creation. With all my anxiety, fear and feeling of adventure, I finally reached Kathmandu, capital and heart of Nepal. नेपाल एक बहुत ही डाइवर्स एरिया है जहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाई मिलते हैं, और उसमें से 660 स्पीसीज़ हैं जो 11 फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इस जगह पे मिलते हैं वहाँ का सबसे रेयरेस्ट बटरफ्लाई केशरी हिंद, जो वहाँ का सबसे रेयरेस्ट बटरफ्लाई है। और वो रेयरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि वो पूरे साल में, पूरे ईयर में सिर्फ एक मंथ में सिर्फ मिलता है, सिर्फ एक मंथ में, और वो है जुलाई का मंथ। व्हाट हैपेंड ब्रो? लगाता है रांची पहुँच गए। हाँ, ज़रूर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हैं तो वहाँ भी डाइवर्सिटी, कुछ स्पीसीज़ का बस डिफरेंस होगा, बट डाइवर्सिटी लगभग सेम। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी जहाँ पे एंटोमोलॉजी के प्रोफेसर से मिले और बटरफ्लाई के डाइवर्सिटी के बारे में बहुत सारी जानकारी ली। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू त्रिचंद्र कॉलेज एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। इस जगह पे पहली बार पुतली बाजे का नाम सुना, दैट मीन्स बटरफ्लाई मैन इन नेपाल। पूरा नाम कॉलिन फ्लिप स्मिथ, ही लिव्स इन स्मॉल विलेज नियर पोखरा, बट वी डिडंट एग्जैक्टली नो वेयर। कॉलिन फ्लिप स्मिथ जिनसे हम लोग मिलने वाले थे, और वो बटरफ्लाई के बारे में बहुत सारी रिसर्च को देखी, बहुत सारा उनका कलेक्शन है जो म्यूजियम में रखा गया, स्कूल्स में रखा गया। उन्हें एक वहाँ का सिटीजनशिप मिला नेपाल का, वो है इंग्लैंड के बट वो वहाँ का सिटीजनशिप लिया। और इस तरह फिलिप स्मिथ से मिलने को पोखरा की ओर निकले। नेपाल एक बहुत ही डाइवर्स इकोसिस्टम से बना है जहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बटरफ्लाई के लिए बहुत ही फेवरेबल है। इसी तरह कुछ बटरफ्लाईज को हम लोगों ने देखा, ऑक ब्लू बटरफ्लाई, फैमिली लैसिनिडी, फोविंग्स डार्क ब्लू कलर के होते हैं बट उनके मार्जिन पर चॉकलेट ब्राउन कलर होता है, और हैंडविंग्स का चॉकलेट कलर फोविंग के चॉकलेट कलर से ज़्यादा डार्क होता है। कॉमन ग्रास येलो बटरफ्लाई, फैमिली पैरिडी, विंग्स रिच लेमन येलो कलर के होते हैं बट फॉरविंग्स को जब हम देखते हैं इनर साइड एपिक्स में ब्लैक कलर होता है। विंग स्पैन 35 टू 45 मिलीमीटर होते हैं। ये बटरफ्लाई माइक्रो बटरफ्लाई हैं और ये सी लेवल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज में सिर्फ मिलते हैं, हायर एल्टीट्यूड में ये नहीं मिल सकते। ये था अब तक का जर्नी, और इसके बाद हम लोग पोखरा गए थे। पोखरा एक बहुत ही मस्त इकोसिस्टम है, और वहाँ एक और व्यक्ति हैं कॉलिन फ्लिप स्मिथ जिनसे हम लोग मिलने वाले थे। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में, उनके रिसर्च के बारे में हम लोग बताने वाले हैं, तो प्लीज़ डू